नमस्कार दोस्तों, मैं अभी अभी 1 घंटे पहले जो है वो दिल्ली पहुंचा हूँ। तो दोस्तों, वैसे मेरा मानना ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट का सुबह जो है वो 12:03 पे जो है वो आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस पहल पर आज आंसर सुनाया है, तो दोस्तों उस हिसाब से तो लगता है कि अब रिजल्ट जो है वो घोषित होगा। आज मदुरै हाईकोर्ट की जो पिटीशन फाइल थी उसको रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि भाई जो मद्रास हाई कोर्ट का जो स्टे लगा था उसको रद्द किया जाता है, और जो रिजल्ट है वो कभी भी जो है वो सीबीएसई घोषित कर सकता है। ये तो हुई दोस्तों एक बात। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक एक और ये और जुड़ता है दोस्तों कि अब सीबीएसई रिजल्ट तो अब जारी करेगा, लेकिन आज सुबह जब पिटीशन फाइल हुई थी तो उसके अंदर एक तो रीनीट के लिए जो पिटीशन थे उनकी फाइल्स जज के सामने नहीं रखी गई, और सीबीएसई ने एक चालाकी कर ली कि उसने जो है वो पेपर पर जो स्टे लगा था उसको रद्द करवाने के लिए जो है वो एक पिटीशन को फाइल कर दिया। तो वो जो है वो ज़्यादा जो है वो एक तरीके से अपन समझ सकते हैं समझदार ज़्यादा है, जिससे कि सीबीएसई ने जो है ये एक चालाकी की है दोस्तों। उसने ये चालाकी इसलिए की कि एक बार स्टे हट गया तो ये वो आज जो है वो शाम को 4 बजे की बातें कर रहे हैं, 4 बजे जो है वो रिजल्ट घोषित कर सकती है। तो यदि आज शाम को 4 बजे रिजल्ट घोषित हो जाता है तो दोस्तों इस हिसाब से तो ये उनकी जीत ही हुई। पर अभी भी जो है वो डॉक्टर आनंद राय बोल रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से जो है वो कोशिश करेंगे। मैं अभी अभी 1 घंटे पहले दिल्ली पहुंचा हूँ। अब मैं जंतर मंतर जाऊँगा दोस्तों। जंतर मंतर के अंदर जो पेटिशन फाइलर्स तो यहाँ पे बैठे हैं अनशन पर, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे बातें करेंगे, किसी हिसाब से जो है वो आगे का कार्य होगा। मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, रीनीट जो है वो ओके रहेगा दोस्तों। 3 से 4 जो पिटिशनर है, अभी 1 या 2 सुनवाई बाकी है। कल गुजरात हाई कोर्ट में भी जो है वो सुनवाई होगी, फिर वेस्ट बंगाल में होगी। आज पटना जो हाई कोर्ट है उसके अंदर पिटिशन फाइल हो चुकी है। तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है, रीनीट हम करवा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।